देश का किसान तकलीफ के अंदर है, नौजवान रोजगार को लेकर आंदोलित है, कानून व्यवस्था चीर जिस तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ इस तरह कानून का चीर हरण राजस्थान के अंदर हो गया। दलित का वीडियो, दलित युवती का वीडियो वायरल होने के बाद जो घटनाएं राजस्थान के अंदर घटित हो रही है, जिस तरह सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं है, आम आदमी गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी और बेरोजगार से तंग आके किसान के बेटे आत्महत्याएं करें और किसान अपने स्वाभिमान के खातिर पूरे परिवारों के साथ आत्महत्याएं करा। अभी नागौर की घटना देखी होगी आपने कि एक बाप ने अपने 3 बच्चों को खत्म कर दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं ये राजस्थान की व्यवस्था का चीर हरण हुआ है और इसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार है और वसुंधरा भी जिम्मेदार थी। ये दोनों मिले हुए थे, इसी कारण से राजस्थान बिगड़ा। हम राजस्थान को पटरी पर लाएंगे। आरएलपी पार्टी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इस 13 तारीख के लोकसभा के जो सत्र है इसमें तो हम राजस्थान के मजबूती से मुद्दे उठाएंगे, तमाम किसान जवानों के, देश हित के मुद्दे उठाएंगे, मारवाड़ के मुद्दे उठाएंगे और इनके बाद बड़ा आंदोलन राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता किसान कानून व्यवस्था से लेकर राजस्थान से छेड़ेंगे। उसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से करेंगे, उस आंदोलन की शुरुआत जिसमें बिजली के मामले में जो किसानों को तंग परेशान किया जा रहा है, एक एक टारगेट करके किसानों की सीटें भरी जा रही, किसने वोट दिया कि नहीं दिया, क्यों से उपचुनाव के अंदर हार और उससे पहले गहलोत का बेटा हारने से गहलोत बौखलाया हुआ है और बदले की भावना से कार्रवाई करे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, हाल ही जो हैदराबाद में जो अभी जो कल है देखिए, उसने जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की जिस तरह बलात्कार के बाद हत्या हुई और उसके पास एक शव और मिला, मतलब कितनी बड़ी घटनाएं इसी देश के अंदर अंजाम दी जा रही है। देश सुरक्षित नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 370 और 35 से हटाई, अब नक्सलवाद और ऐसे जो भी तत्व है इस देश के अंदर, देखिए बलात्कारियों को सजा देने के लिए लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा हमने मामला उठाया कि बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले, त्वरित कार्रवाई हो और 2 महीने के अंदर ट्रायल हो। तो ये मानसिक रोगी होते हैं एक तरीके से, इन मानसिक रोगियों का एक इलाज है कि इनको सरेआम गोली मारी जाए। मेरा यह अनुमान बेनीवाल का मत है कि मेरे कहने से अगर कानून बने तो बलात्कार की घटनाएं 24 घंटे के अंदर देश में बंद हो सकती है, लेकिन कानून इतना मजबूती से बने इसके लिए और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है और ऐसे मानसिक रोगियों के कैंप लगा के इनकी मानसिकता सुधारने की भी देश के अंदर आवश्यकता है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाएं देश के अंदर सुरक्षित रहे, ये हम सब चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी अगर निकले सड़क पे तो कोई सामान नहीं देखे, लेकिन हालात बदतर होकर इन हालातों के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है जिसने 60 साल इस देश के अंदर राज करके इस देश को नरक बना दिया। इसको स्वर्ग बनाने में अभी समय लगेगा, लेकिन आप चिंता मत करें, 1.5-2 साल के अंदर देश को एक नई दिशा मिलेगी, देश की तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। बेरोजगारी और किसान 2 बड़े मुद्दे हैं। जोधपुर मारवाड़ के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, इसको लेके भी हनुमान बेनीवाल पूरी तरह बड़ा आंदोलन राजस्थान में और लोकसभा में मजबूती से आप सबकी पैरवी करेगा। पंचायत चुनाव आरएलपी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के रास्ते भी खुले हैं, हम मिलके भी लड़ सकते हैं।